कैसे हैं यश और संजय के रिश्ते KGF 3 के सेट्स पर, प्रोडक्शन कैसे रख रही है एक्टर्स का ख्याल सेट पर, सॉन्ग्स कैसे होंगे KGF 3 में। संजय दत्त और यश दोनों ही KGF में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते नज़र आए हैं और आएंगे, लेकिन इनमें कोई दोराहे नहीं है कि दोनों अपनी अपनी जगह बड़े स्टार्स हैं। वहाँ औरों के जैसे संजय और यश भी अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, चाहे वो लुक्स हो या बॉडी, लेकिन आपस में दोनों बहुत बातचीत करते पाए जाते हैं। प्रमोशंस तो दोनों साथ कर ही रहे हैं, इसके अलावा दोनों हंसी मजाक करते भी पाए जाते हैं। संजय दत्त अपने एक्सपीरियंस से यश को एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प कर देते हैं। वहीं सेट्स के अलावा यश भी संजय को डायलॉग डिलीवरी उनके लैंग्वेज में किस तरह से करना है ये सिखा देते हैं। भले ही हीरो और विलेन में ऑन स्क्रीन नहीं बनती, मगर सेट्स और प्रमोशंस के समय दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे के सीन्स को सराहा है और किक 3 के लिए भी कहा है कि इसमें किक एस सीन्स होंगे। KGF के सेट पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है एक्टर्स का, उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके चलते उनकी काफ़ी मांगें पूरी की जाती हैं। मूवी के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए होते हैं। संजय, यश, रवीना और श्रीनिधि सभी को अपने ओन वैनिटी वैंस दिए गए हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज स्टाइलिस्ट भी रखे गए हैं जो उनके लुक को मूवी के कैरेक्टर के साथ अलाइन कर चुके हैं। जहाँ बहुत सीन्स एक्टर्स ने खुद ही किए हैं, वहीं कुछ बॉडी डबल्स और स्टंट मैन भी सेट पर अवेलेबल रहते हैं। सारे स्टंट्स सुपरविजन में किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी वायर्स और सिस्टम्स यूज़ हुए हैं। अगर फायर रिलेटेड सीन्स नहीं भी हैं तो भी बैकअप्स रखे जाते हैं। जनरल पब्लिक ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, इसलिए सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग रखी है। इसके अलावा प्रमोशंस के टाइम उनका रहना, ट्रैवल और सब प्रोडक्शंस ही संभालते हैं। KGF 3 में भी प्रोडक्शन ने सारे स्टार्स की डेट्स और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स किए हैं और एक्टर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। कमाल की बात यह है कि इतने बड़े स्टार्स होते हुए भी ये सेट पर मिलजुल कर ही काम करते दिखे हैं। KGF चैप्टर 3 में भी सॉन्ग स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे और इसी के साथ एक्जॉटिक लोकेशंस भी ली जा सकती हैं। मूवी में म्यूजिक रवि बसरूर की ही होगी। एक रोमांटिक सॉन्ग भी शूट होने की बातें आ रही हैं, जिसका सिंगर कौन होगा ये अभी तक आउट नहीं हुआ है।